आपको शाहरुख खान और काजोल की सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है तो याद ही होगी, और उसमें वो छोटा सा सरदार भी आपको जरूर याद होगा जो पूरी फिल्म में तारे गिनता रहा था। फिल्म में केवल उसने एक ही डायलॉग बोला था, तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। इस डायलॉग की वजह से वो बच्चा आज भी लोगों को याद है, लेकिन बता दें कि अब वो छोटा सा बच्चा छोटा नहीं रहा है, बल्कि अब वो 29 साल का हो चुका है। और ऐसे में अब खबर ये भी है कि उस किरदार को निभाने वाला बाल कलाकार अब शादी के बंधन में बन चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने, फिल्म कुछ कुछ होता है में छोटे सरदार का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट परजान दस्तूर शादी के बंधन में बन चुके हैं। जी हाँ, परजान ने मुंबई में अपनी मंगेतर डेलना श्रॉफ के साथ शादी कर ली है। कपल ने मुंबई में पारसी रीति रिवाजों से शादी की। सोशल मीडिया पर इस कपल ने अपनी शादी की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं, जिसके साथ इन्होंने बेहद ही खूबसूरत मैसेज भी लिखा है। फैंस भी इनकी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए इन्हें विश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परजान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शादी की कुछ स्टोरीज भी शेयर की है। इन तस्वीरों में तो वो अपनी पत्नी डेलना के साथ रोमांटिक पोज देते हुए नजर आए हैं। लुक की बात करें तो परजान व्हाइट कलर के कुर्ता पजामा में बेहद ही हैंडसम लग रहे थे, वहीं डेलना मरून रंग की साड़ी में दिखाई दी है। उन्होंने सीधे पल्लू की साड़ी पहनी हुई थी। आपको बता दें कि पिछले साल ही परजान ने अक्टूबर के महीने में उन्हें प्रपोज किया था, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए कहा था कि अब वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। उस वक्त उनका ये पोस्ट खूब वायरल हुआ था। हालांकि आपको बता दें कि परजान ने साल भर पहले अक्टूबर में डेलना श्रॉफ से सगाई की थी। उन्होंने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में डेलना को प्रपोज किया था। शेयर की हुई तस्वीरों में परजान अपने घुटनों पर बैठकर डेलना को अंगूठी देते हुए नजर आ रहे हैं, और अब परजान दस्तूर शादी के बंधन में भी बन चुके हैं। वहीं अगर परजान के काम की बात करें तो वैसे तो उन्होंने सबसे ज्यादा लोकप्रियता कुछ कुछ होता है में छोटे सरदार के लिए पाई थी। इस फिल्म में इनका डायलॉग तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस फिल्म के बाद 29 साल के परजान मोहब्बतें, जुबैदा, कभी खुशी कभी गम जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी काम करते हुए नजर आए थे। एक्टिंग के साथ साथ परजान ने कई फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी है। तो दोस्तों, फिल्म कुछ कुछ होता है कि इस नन्हे से सरदार की इस शॉकिंग शादी के बारे में सुनकर आपको कितनी हैरानी हुई, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।